हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग फैन राहुल। चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को दिल से शुक्रिया जो आपने इतना प्यार दिया अभी तक, इतने सारे सब्सक्राइबर दिए। मैं जानता हूँ अभी ज़्यादा लोग वीडियो नहीं देखते हैं और मैं ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझता भी हूँ कि मेरा चैनल जो है वो अभी एक शॉर्ट्स का चैनल हो चुका है, लेकिन मैं वीडियोज़ रेगुलर अब डालूंगा और ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलेगी। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि WWE का जो ड्राफ्ट है उसको लेकर मैं बताने वाला हूँ आपको कि WWE ड्राफ्ट के अंदर कौन कौन से वो सुपरस्टार होंगे जो कि ड्राफ्ट में एक दूसरे के ब्रांड में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो WWE है को जो एंडेवर कंपनी है UFC की, उन्होंने इसको ख़रीद लिया है। और ट्रिपल एच ने भी अपने स्मैकडाउन में जब वो आए थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि इस बार का जो ड्राफ्ट है वो सबसे बड़ा ड्राफ्ट होने वाला है। जितने भी ड्राफ्ट अब तक हुए हैं तो भाई एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट पिक जो होने वाले हैं मेरी, वो होंगे रोमन रेंज, और रोमन रेंज को स्मैकडाउन पर ही रिटेन किया जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनको दोनों टाइटल्स दिए जाएंगे या उनका टाइटल यूनिफिकेशन कराया जाएगा या फिर उन पे से एक टाइटल जो है वो ले ली जाएगी। आई डोंट नो अबाउट, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता कि ऐसा होने वाला है या नहीं, लेकिन यही चीज़ होने वाली है कि रोमन रेंज की जो लेगेसी है वो स्मैकडाउन पर कंटिन्यू रहेगी। इसी के साथ चलते हैं रो की तरफ, और रो में जो सुपरस्टार आएंगे वो होंगे हमारे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। जी हाँ, कोडी रोड्स को रो ने अपने इधर बुला लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली कोडी रोड्स रो में ही रहेंगे स्टेबल। स्मैकडाउन की बात करते हैं, स्मैकडाउन में इस बार मेरी पिक होने वाली है बॉबी लेस्ली। बॉबी लेस्ली मुझे नहीं लगता कि 2018 में जब से रिटर्न किए उसके बाद वो आए, और स्मैकडाउन में उनके लिए एक नई स्टोरी लाइन मिलेगी, नया बिल्ड मिलेगा, और ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा साबित अच्छी होने वाली है। अगली पिक की तरफ चलते हैं, ये जुड़ी है ब्रॉक लेसनर के लिए, और ब्रॉक लेसनर को रो करेगी रिटेन, और ब्रॉक लेसनर रहेंगे रो के अंदर। और भाई ये बताने की मुझे आपसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि रो के अंदर ब्रॉक लेसनर ही क्यों। भाई ब्रॉक लेसनर रो के अंदर इसलिए क्योंकि रो को रेटिंग्स चाहिए, और अगर रो 3 घंटे का है उसको रेटिंग चाहिए तो उसमें बड़े सुपरस्टार्स होने ज़रूर चाहिए। तो कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर ये दो अभी तक सुपरस्टार हो गए हैं। चलते हैं स्मैकडाउन की तरफ, और स्मैकडाउन की तरफ से जो हमारी पिक होने वाली है इस बार वो होंगे ब्रॉन ब्रेकर। जी हाँ, ब्रॉन ब्रेकर एक NXT के जो चैम्पियन है, फॉर्मर चैम्पियन है NXT के, और मैं नहीं मानता कि अभी फ्यूचर में कोई उनसे बड़ा दावेदार होने वाला है WWE का। आई एक्सेप्ट ऑस्टिन थ्योरी होंगे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी एज अ हील, बट एज अ फेस ब्रॉन ब्रेकर जरूर होने वाले हैं, और स्मैकडाउन के अंदर आएंगे फाइनली हमारे और आपके सबके प्यारे ब्रॉन ब्रेकर। वैसे मेरे प्यारे नहीं हैं। और इस बार चलते हैं रो की तरफ, और रो में जो सुपरस्टार आने वाले हैं वो होंगे आपके द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर को एक फाइनली एक बेहतरीन पुश चाहिए, और एक ऐसा पुश चाहिए जो कि उनके करियर को बहुत ही ज़्यादा एक अलग हाई लेवल पे पहुँचाए, क्योंकि जो अभी WWE और ड्रू मैकइंटायर के बीच जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम का जल्दी आई होप ये सेटल कर ले और ड्रू मैकइंटायर आ जाए हमारी रो में, हमारे नए WWE के रो में। इस बार अगले पिक की बात करते हैं, स्मैकडाउन की तरफ से होने वाली है द रेटेड आर सुपरस्टार एज। एज आने वाले हैं फाइनली स्मैकडाउन में, ऐसा मुझे लगता है, और स्मैकडाउन में इस बार भाई सुपरस्टार की बारिश होने वाली है। देखते हैं, वो तो होगी नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, ऐसा मत मान लेना आप कि यही सुपरस्टार आएंगे, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये आने चाहिए, और मुझे लगता है फाइनली कि स्मैकडाउन के अंदर आने चाहिए द रेटेड सुपरस्टार एज। और अब बात करते हैं रो की, और रो में जो फाइनली मेरे पिक होने वाले हैं वो सुपरस्टार होंगे हमारे और आप सबके प्यारे दुलारे ब्रे वाइट। ब्रे वाइट मुझे लगता है कि रो के अंदर आने वाले हैं, और रो जो है वो इस बार होने वाली है द फीन्ड ब्रे वाइट की। आई होप कि जो द फीन्ड ब्रे वाइट है वो जल्दी से आ जाए और हम सबको एंटरटेन करे, बिकॉज वी लव यू फीन्ड। अगर आप इस वीडियो को हिंदी में देख रहे हो तो आपकी हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो मैं इंग्लिश में आपको बोल दूंगा, द फीन्ड वी ऑल लव यू, द ऑल इंडियंस लव यू, प्लीज़ कम बैक एज सून एज पॉसिबल। स्मैकडाउन की तरफ से पिक होने वाली है हमारे जो फॉर्मर मंडे नाइट मसाया थे द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रेकिन रॉलिंस, और मुझे लगता है कि स्मैकडाउन में फाइनली आ जाएंगे सेथ रॉलिंस, और उसके बाद उनकी रोमन रेंज के साथ स्टोरी लाइन भी
शुरू हो जाएगी। आई होप बहुत जल्दी ये स्टोरी भी शुरू हो जाए। इसके बाद चलते हैं रो की तरफ, और मुझे लगता है फाइनली जो मोंटेस फोर्ड है वो आ जाएंगे आपकी रो में। और अगर जो मोंटेस फोर्ड है, क्योंकि मोंटेस फोर्ड को चाहिए एक पुश और उनको करना है अभी जो उनकी टैग टीम थे स्ट्रीट प्रॉफिट उससे अलग, तो मुझे फाइनल लगता है कि ये वो होने वाला है मोमेंट जब ये दोनों अलग हो जाएंगे। स्मैकडाउन की बात करें तो मुझे लगता है कि एंजेलो डॉकिंस होने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाले अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन उनसे ज़्यादा नज़रें होंगी मोंटेस फोर्ड के ऊपर। अब हम चलते हैं रो की तरफ, और रो फाइनली जो है सेलेक्ट कर लेगा LA Knight को। LA Knight मुझे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वाली वाइब देते हैं, और भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर आपके पास ऐसा सुपरस्टार है जिसने ROH और NJPW जैसी कंपनी में अपना झंडा गाड़ा है अगर उन्होंने अपना, तो भाई उनको क्यों नहीं आप सिलेक्ट करेंगे, आप बिल्कुल सिलेक्ट करेंगे। और ये आपके हो सकते हैं द फ्यूचर ऑफ योर कंपनी एज अ प्रोमो बैटल एज अ हार्ड कोर रेसलर LA Knight। चलते हैं स्मैकडाउन की तरफ। स्मैकडाउन लेने वाला है हमारे आपके प्यारे दुलारे जॉनी गर्गैनो को, जिनकी कोई भी कदर नहीं करता, मैं भी नहीं। सो जॉनी गर्गैनो होने वाले हैं जोली रेसलिंग होने वाले हैं इसके जो हमारी स्मैकडाउन है उसके अंदर, मैं नाम बोल जाता हूँ बार बार, सो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो स्मैकडाउन के अंदर होने वाले हैं जॉनी गर्गैनो। इस बार चलते हैं रो की तरफ, और रो के पास आने वाले हैं फाइनली कैरियन क्रॉस। कैरियन क्रॉस इज़ अ सुपरस्टार, वो रियली नीड्स ए कंपनी शो लाइक रो, बिकॉज स्मैकडाउन के अंदर कुछ खास अभी नहीं हो रहा है, पत्ते खोल रहे हैं बस वो, और भाई ये पत्ते ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे आपके, क्योंकि भाई आपके एक नई स्टोरी लाइन के लिए आपको बिल्ड कर रहे हैं, तो भाई आपको एक स्टोरी लाइन के तहत ही आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ। स्मैकडाउन पिक करने वाला है मैट रिडल को, और मैट रिडल स्मैकडाउन में अगर आ गए तो भाई और मज़ा आ जाएगा, बिकॉज काफ़ी एक नई फ्रेश उनको स्टोरी लाइन्स मिलने वाली है। चलते हैं मंडे नाइट रो की तरफ, और इस बार होने वाला है रैंडी ऑर्टन फाइनली इज़ कमिंग टू रो एज अ हील सुपरस्टार, और मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर के बाद रैंडी ऑर्टन ही होने वाले हैं दूसरे सबसे फेवरेट हील सुपरस्टार ऑन मंडे नाइट रो। चलते हैं स्मैकडाउन की तरफ, और स्मैकडाउन रिटेन करेगी हमारे गुंथर को, और गुंथर को भाई क्यों नहीं रिटेन करे, क्योंकि रोमन रेंस के बाद अगर किसी ने टाइटल को इतना ज़्यादा प्यारा और इतना अच्छा बनाया है तो वो हमारे और आपके गुंथर ही है। चलते हैं मंडे नाइट रो की तरफ, और होने वाले हैं बुयाका 619 रीम स्टेडियो स्मैकडाउन से नहीं बल्कि रो में आने वाले हैं, स्मैकडाउन से रो में आने वाले हैं सॉरी, और फाइनली वो आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जबकि उनके पुत्र जो है वो स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले हैं, और स्मैकडाउन में अगर वो चले जाए तो बहुत ही अच्छा है। मंडे नाइट रो की तरफ चलते हैं, मंडे नाइट रो पिक करेगी लोगन पॉल को ऐसा मुझे लगता है, और स्मैकडाउन जो है वो पिक करेगी दी उसोज़ को, और मंडे नाइट रो जो है वो फिर चूज़ करेगी सोलो सिकोवा को। उसके बाद जो हमारा स्मैकडाउन है, स्मैकडाउन जो है वो रिटेन करेगी रिया रिपली को, उसके बाद मंडे नाइट रो जो है वो रिटेन करेगी बैकी लिंच को। स्मैकडाउन फिर रिटेन करने वाली है ये जो अभी चैम्पियन थी शार्लेट फ्लेयर को, उसके बाद मंडे नाइट रो जो है वो रिटेन करने वाली है बियंका ब्लेयर को, उसके बाद स्मैकडाउन जो है वो रिटेन करने वाली है जो टीम थी ये जो सेमस के साथ टीम थी उसमें बुज और रिजोलैंड थे इनको। मंडे नाइट रो फाइनली जो है वो का जो ये क्या पता नहीं क्या नाम था इनका कैमरन पता नहीं यार क्या नाम था इनका ग्राइम्स करके कुछ नाम था इनका, इनको पिक करने वाली है मंडे नाइट रो शायद कैमरन ग्राइम्स। उसके बाद जो स्मैकडाउन है वो करेगी एलाइस को अपने इधर बुलाएगी, उसके बाद मंडे नाइट रो में जाएंगे किंग कॉर्बिन, उसके बाद स्मैकडाउन में वापस रहेंगे जो हमारे शिंसुके नाकामुरा है वो स्मैक, और उसके बाद मंडे नाइट रो भाई पिक करने वाली है ब्रॉन स्ट्रोमन को, स्मैकडाउन करने वाली है रिकोशे को, उसके बाद मंडे नाइट रो जो है वो करने वाली है निकी क्रॉस को, उसके बाद जो आपके स्मैकडाउन है वो करने वाली है मिचिन यानी मियाम को, उसके बाद बहुत सारे सुपरस्टार बचते हैं जिसमें मुझे लगता है फाइनली कि रिंकू राजपूत जिसे हम वीर महान के नाम से जानते हैं WWE के अंदर हमारे देवों के देव महादेव के भक्त वीर महान फाइनली आने वाले हैं मंडे नाइट रो के अंदर। उसके बाद जिंदर महल जाने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर, मंडे नाइट रो पर ही उनके साथ रहेंगे सौरभ गुज्जर जिन्हें हम सांगा के नाम से जानते हैं,
और प्रेडिक्शन वीडियो यहीं तक मेरी थी। इसके बाद सिर्फ एक सुपरस्टार बचता है और वो है ओमास। ओमास जो है वो जाने वाले हैं इस मैकडाउन के अंदर। और अगर कोई सुपरस्टार बच गया है मुझे कमेंट में आप बता देना, कमेंट के अंदर मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि वो सुपरस्टार किधर जाने वाला है। जजमेंट डे की बात कर ले तो वो जाने वाले हैं स्मैकडाउन पर ही। और बात करें केविन ओवंस और सैमी जेन की, वो जाने वाले हैं मंडे नाइट रो की तरफ। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी होने वाले हैं रो के अंदर, जॉन सीना होने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर।